अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक है, मज़े में और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अफ़गानी बर्गर की रेसिपी, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है और मुझे काफ़ी टाइम से इसकी क्रेविंग हो रही थी, तो देन आज मैंने फाइनली बना लिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बर्गर के लिए चिकन को प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। और अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, और 1/2 लेमन ऐड कर देंगे इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको तकरीबन मैरिनेशन को टाइम देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो लाजमी दें, ताकि सारे स्पाइसेस अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन बहुत जूसी हो, बहुत अच्छा फ्राई हो, बहुत अच्छा टेस्ट हो उसका। तो जैसे हम चेंगे बर्गर बनाने के लिए चिकन को फ्राई करते हैं ना क्रिस्पी सा, इस बर्गर के लिए हमें वैसे चिकन चाहिए। तो ये जो स्ट्रिप्स में काटा हुआ, इसको मैरिनेशन के बाद हम वैसे इसकी कोटिंग करके क्रिस्पी से चिकन फ्राई कर लेंगे बर्गर के लिए। तो यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। आप चाहें तो बाहर छोड़ दें, वरना फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैबेज ली मीडियम साइज़ की, जिसको बहुत बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पे हम अफगानी बर्गर के लिए एक चटनी प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन चिलीज, मिंट लीव्स, गार्लिक क्लॉव्स एंड 1/2 लेमन। साथ में हम इसके लिए लेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और सॉल्ट टू टेस्ट, और टमाटो प्यूरी लेंगे अराउंड 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम ग्रीन चिलीज, मिंट लीव्स और गार्लिक का कूट के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिलीज़ का और गार्लिक मिंट लीव्स का एक पेस्ट तैयार हो गया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे, स्क्वीज करेंगे इसके अंदर लेमन, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी का बर्गर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप किसी से स्किप नहीं करिएगा, लास्ट में अपनी रेसिपी में यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसको भी तैयार करके साइड पर रख लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे हम चिकन की कोटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैदा लिया मैंने और सिंपल मैदा, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने। और चिकन रखेंगे, उसके ऊपर मैदा डाल के खूब सा उसको प्रेस करेंगे, ताकि वो मैदा चिकन के साथ अच्छे से जुड़ जाए। पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो टेक्निक शेयर करूँगी, जिससे आप चिकन को, क्रिस्पी चिकन को बेहतरीन तरीके से कोट करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने बहुत स्लो रखा है, अपने हाथों के मूवमेंट पर स्लो रखे है, ताकि आपको ईजिली समझ आ सकें। तो आपने क्या करना, खूब सारा मैदा डालना है, सेम वैसे हाथों की मूवमेंट, फिंगर्स की जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे करना है, और बहुत नॉर्मल सा प्रेशर डाल के चिकन को प्रेस करना है। और फिर इसको झाड़ेंगे तो आप देखेंगे कितने अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। और इसी तरह जब आपको ज़्यादा क्रम्स चाहिए, तो आप उसी को एक दफ़ा पानी में डिप करें और दैन फिर से सेम स्टेप के साथ उसको कोट करें, तो बहुत क्रिस्पी चिकन बहुत अच्छा तैयार होगा। और पता है कि आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, पहले मैं भी बहुत बार मैंने ट्राई किया क्रिस्पी चिकन बनाने का, तो क्या होता था, जब वो फ्राई हो जाता था, पहले खुश होती थी लाइक क्रिस्पी बना है, तो जब वो फ्राई हो जाता था उसकी कोटिंग अलग होती थी, चिकन सेपरेट होता था, वो मज़ा नहीं आता था। मैंने बहुत बार कोशिश किया, तो अब जाके माशाल्लाह मेरा चिकन बहुत परफेक्ट फ्राई होता है। और बस यही टेक्निक मैंने यूज़ की, इसके साथ चिकन उसकी जो कोटिंग होती है ना, कोटिंग चिकन के साथ बिल्कुल जुड़ी होती है, और बहुत परफेक्ट परफेक्ट बता रही हूँ आपको कि बहुत परफेक्ट वो बनता है क्रिस्पी चिकन। तो आप सेम यही टेक्निक यूज़ करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई हो जाए, जैसे बाहर से मिलता है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रेसिपी को इंजॉय करें और आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बने, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हो चुकी है। तो अब इसी तरह बाकी चिकन को भी कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन फ्राई हो रहा है। अच्छा, पहले मैंने ऑयल को बहुत हाई फ्लेम पे काफ़ी गर्म कर लिया था, क्योंकि जब हम चिकन डालते हैं तो काफ़ी हद तक उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो बस इसी तरह उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि चिकन कितना क्रिस्पी फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। और अब यहाँ पे मैंने चिकन सॉसेजेस लिए, उसको कट लगाया ताकि वो बेहतर तरीके से फ्राई हो सकें। अच्छा, ये बर्गर मैं बहुत खाती थी जब मैं पिंडी होती थी, तो 6 रोड से ये अफगानी बर्गर मिलता था, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था।
और वो क्या करते थे ना, दो फ्लेवर सर्व करते थे, एक सॉसेजेस के साथ और एक जिंगर चिकन के साथ, और दोनों ही मेरा बहुत फेवरेट हुआ करते थे। और आज जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इस बर्गर को खाने के लिए, तो मैंने इसके अंदर सॉसेजेस भी ऐड किए और जिंगर चिकन भी ऐड किया ताकि इसका मज़ा डबल हो जाए। और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, यकीन जाने सबने बहुत शौक से खाए थे और बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं चिकन कितना अच्छा तैयार हो चुका है, इसका कलर कितना खूबसूरत, कितना मज़े का लग रहा है, और आप क्रम्स भी देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे चिकन को स्ट्रेनर पे निकाल, में हम डालेंगे फ्राइज़ और उसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस बर्गर के लिए फ्राइज़ का क्या काम, तो असल में अफ़गानी बर्गर होता क्या है कि अफ़गानी रोटी उसके ऊपर खूब सारे फ्राइज़, सॉसेजेस और क्रिस्पी चिकन डालते हैं, कुछ सॉसेज डाल के रैप करते हैं, और इस तरह का अफ़गानी बर्गर तैयार होता है जो कि बहुत लजीज बनता है, बहुत जम्बो साइज़ का होता है और काफ़ी हैवी होता है, जो कि आप एट अ टाइम पूरा नहीं खा सकते हो। बट मेरे नेफ्यू ने माशाल्लाह माशाल्लाह एट अ टाइम 2 बर्गर खा लिए थे क्योंकि उसको इतना पसंद आया। तो घर में जो बनाया था ना मैंने, ये यकीन जाने बने ही बहुत ज़्यादा लजीज थे कि आपके दिल करता खाए जाओ ना। तो यहाँ पे फ्राइज़ भी बहुत क्रिस्पी से तैयार हो चुके थे, तो अब सेम ऑयल में हम इसके अंदर डालेंगे सॉसेजेस और उसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही फ़नी सीन हुआ था, बहुत फ़नी कि मैंने वैसे कभी भी नहीं करती, लेकिन इस पर मैंने सॉसेजेस को पता नहीं क्यों बस कट लगा लिया, और जब कट लगाया फ्राई हो तो देखो मेरे सॉसेजेस को तो लगा हो गया, लाइक इतना कोई फ़नी सीन था, इतनी गंदी शेप में आ गए थे। बट छोड़ो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने फिर भी उनको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सारा फ्राइंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, लास्ट स्टेप है जो कि है बर्गर को रैप करना। तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए कि इस बर्गर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। और आप बर्गर को रैप करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने बटर पेपर लिया, उसके ऊपर रखा नान, और एक जो चटनी हमने प्रिपेयर कर ली थी ना उसको इवनली पूरे नान पे स्प्रेड कर देंगे। और अब यहाँ पर सेंटर पे हम खूब सारे इसके अंदर डाल देंगे फ्राइज़, अब इन फ्राइज़ के ऊपर हम रखेंगे क्रिस्पी चिकन और साथ में रखेंगे सॉसेज, जिसको इतनी बुरी तरह लकवा हुआ था कि मैं कोशिश कर रही थी सीधा हो जाए, वो सीधा ही नहीं हो रहा था, बट छोड़ो यार क्या कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कैबेज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, मोटी मत काटिएगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। और अब पूरे नान पे हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, बस लास्ट में अब इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा मायनीस, और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ चिली गार्लिक, आप चाहे तो सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और देन अब इसको रैप करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर सब कुछ मैंने ऐड कर लिया है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह कितने मज़ेदार लोडेड हैवी किस्म का बर्गर तैयार हो रहा था। अब इसको रैप कर लेंगे, यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम बर्गर को बहुत अच्छे से रैप कर लेंगे। बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं अवेलेबल तो आप कोई अखबार वगैरह भी ले सकते हैं, कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी तरह बाकी के बर्गर्स भी तैयार कर लेंगे और इसको डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का फ़नी बर्गर तैयार हो चुका है, जिसको मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन बहुत लजीज बना था। असल में आज हमारी बच्चा पार्टी चल रही थी, हमारे घर के सब बड़े आउट ऑफ सिटी गए थे, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना तो हम लोग क्लास में कोई पार्टी करते हैं, फ़न करते हैं घर में बड़ों के बगैर। तो घर में सिर्फ मेरा छोटा भाई, मैं और मेरे 2 नेफ्यू थे, तो हम लोग ने बच्चा पार्टी की, और मैंने कहा इससे बेस्ट टाइम हो नहीं सकता, मैं बर्गर ट्राई करती हूँ। और जब बनाया, और यकीन जाने टेस्ट में इतना लजीज था कि आपको क्या बताऊँ। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, अगर पसंद है तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।